एकेडमी अवार्ड्स, जिसे कॉमनली और अब ऑफिशियली तौर पर ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, ने 2024 के अवार्ड्स अनाउंस कर दिए हैं। यह अवार्ड किसे मिला है, इसे जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी होगा कि इस साल का ये एडिशन कौन सा था। इस साल का ये एकेडमी अवार्ड्स का 96th एडिशन रहा है। इंडिविजुअल कैटेगरी में जाने से पहले ये जान लेते हैं कि सबसे ज्यादा अवार्ड किसे मिला है। तो इस साल जिस मूवी को सबसे ज्यादा ऑस्कर मिले हैं वो है 2023 की ब्लॉकबस्टर मूवी ओपेनहाइमर, जिसे इस साल टोटल 7 अवार्ड दिए गए हैं अलग अलग कैटेगरीज में। तो चलो आप इंडिविजुअली जान लेते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में किसे अवार्ड मिला है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट मूवी की। तो ऑस्कर में इस साल जो बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया है वो दिया है ओपेनहाइमर मूवी को। इस मूवी के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन है और इन्हें ही बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी दिया गया है। अगर बेस्ट एक्टर की बात किया जाए तो ओपेनहाइमर मूवी के ही लीड कैरेक्टर किलन मर्फी को ये अवार्ड दिया गया है। इसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पुअर थिंग्स मूवी के लिए एम्मा स्टोन को दिया गया है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड रॉबर्ट डाउनी जूनियर को दिया गया है फॉर द मूवी ओपेनहाइमर। वहीं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड इस साल डिवाइन जॉय रैंडोल्फ को दिया गया है फॉर द मूवी द हैंडओवर्स। बाकी बचे हुए जो कैटेगरी है उसे आप स्क्रीन से पढ़ सकते हो। अब आप मुझे कमेंट बताओ, क्या ओपेनहाइमर को इस साल का बेस्ट मूवी का अवार्ड मिलना चाहिए था।